हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तीन चार दिनों से कोई ब्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। अभी भी बोलने वजह से लगता है ना अजीब सा लग रहा है। चार दिन हो गए पूरे और डॉक्टर ने मुझे टोटली 7 डेज के लिए बोला है बेड रेस्ट। तो हम बेड पे हैं। अचानक हुआ क्या, नॉर्मली काम कर रही थी और एकदम से जैसे शरीर में अकड़न जैसी हुई और फीवर आ गया। तो पहले तो नॉर्मली लगा, फीवर की दवा वगैरह ली, मगर रात से फीवर बहुत ज़्यादा हो गया। सुबह जाके टेस्ट वगैरह कराया तो उसमें प्लेटलेट्स डाउन थी, इन्फेक्शन बताया। वहाँ से दवाइयाँ लेके आ गए, दूसरे दिन फिर से फीवर का स्केल था, फिर गए दिखाने और एक पैर में सूजन बहुत आ गई थी, बहुत ज़्यादा सूजन है और उसमें फाइलेरिया का अटैक बताया है सर। और उसे एक हफ्ते के लिए बताया बिल्कुल रेस्ट चाहिए, इसलिए पूरा बेड रेस्ट करना, इसीलिए कोई ब्लॉक नहीं आ पाया। 2 दिन तो एकदम बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, आँखें नहीं खुल रही थी और पैर की हालत बहुत ख़राब है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए पैर की हालत क्या हो गई है, छाले छाले से आ गए हैं पूरे, बहुत दिक्कत। इसमें जलन बहुत है, बहुत ज़्यादा ही जलन है। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा। पूरा पैर लाल है, इसमें तो कम आ रहा है और इसको एक की पिलो कवर है उसी पे रखना है, पैर को सीधा नहीं रखना है। इस वजह से नहीं तो ना तो चल पा रहे हैं और क्या नाम ना उठ पा रहे हैं, टोटली बेड रेस्ट में है। ये हालत हो गई, पता नहीं पल भर में क्या हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा खासा काम कर रही थी, कोई दिक्कत भी नहीं लगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। अचानक से बहुत तेज प्यास लगी और पूरा शरीर अकड़ने लगा, जैसे नहीं बुखार में होती है ऐठन सी होती है, हाथ पैर जो है ना ऐसे ऐसे मन करता है करने का, उनमें अकड़न सी हो रही है और बस एकदम से हो गया। दूसरे दिन क्या नाम पैर की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बना पाए थे। तो उसे पूरा घर का काम इसमें देख रही है। चलिए थोड़ा तबीयत ठीक होती फिर आपसे मिलते। मैंने सोचा 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं आया, चलिए छोटा सा ब्लॉग बना के डालते हैं, थोड़ा और ठीक हो जाएंगे फिर आपको डेली रूटीन ब्लॉग मिलेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। क्या देखो कब बनाती हूँ, क्योंकि उतना है नहीं, लेटे लेटे भले कोई ब्लॉग बना दो, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया एकदम से, कुछ पता नहीं रहता समय का क्या क्या हो जाए। चलिए देखिए तोशी क्या कर रही, आगे शायद ब्लॉग को कंटिन्यू करेगी। अभी बहुत मेहनत कर रही है, आजकल नाश्ता वगैरह उसने करा दिया है क्योंकि मेडिसिन लेनी थी। अभी टाइम 10:10 हुआ है, 10 बज गया है। चलिए देखिए तोशी आगे क्या करती है, आपको दिखाएगी वो अगर कंटिन्यू करेगी तो। ये देखो कौन आ गया आगे, ये उधर देखो बुका था, ये देखो भाई देखो बुका नीचे से ऐसे ऐसे कर रही बात बुना बुका का आप ना बात आएंगे तो बुका शौक दे, हम कहाँ चले गए। ये बन गया ऐसे,
और ये बन गया एच ए, और ये बन गया एच ए बट। हमने बना लिया वीडियो। शर्ट की फाड़ लो। चीटी है शर्ट। शट अप। अरे मेला बुग्गा जा रहा है। इसे मैंने पूछो दे पूछो। इतनी पूछो मत कर लो मेले बुग्गा को। जेला बुग्गा। अब तो क्या दूँ? नहीं बचा नहीं चाहिए क्या कर दिया? बोले मैं घर की रख दिया। ये तो ना दूल्हे जाना मस्त। मेरा बुग्गा चुपे चुपे आया था और शाम को जाला है। ये बुग्गा बहुत ही ताने शाम को नहीं दोपहर में जाला है बुग्गा मेरा। बुग्गा बाय बाय कर रहा है। टाटा लाइक करते जाना बुग्गा। बाय बाय। ठीक है। अजवाइन पहले मैदा फिर रिफाइंड और अब अजवाइन जो कि पीस के डाल रही है। ये पड़ रहा है हमारा नमक, डेट मीन्स नमक स्वाद अनुसार। तो हमारा जो आटा है वो सन चुका है, ये देखिए। तो ये हमने अपना जो आटा है वो थोड़ी देर के लिए रख दिया है, 5 से 10 मिनट के लिए। इसे हम ऐसे रख देंगे, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो फाइनली ये एक बार हमने निकाल लिए हैं, दूसरी बार ये देखिए ये बन रहे हैं अभी। धीरे धीरे आते हो जाएंगे। देखिए